पंजाब के भटिंडा से आया एक लड़का, नाम सनी। कौन सोच सकता था कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का सनी हिंदुस्तानी एक दिन इंडियन आइडल का विनर बन जाएगा। विनर बने तक तो बात ठीक है, लेकिन ट्रॉफी हाथ में आने से पहले ही बॉलीवुड की दुनिया में एक कदम रख देगा। वो कहते हैं ना, आसमां में छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ किया सनी हिंदुस्तानी। अपनी लगन और मेहनत से गायकी के सभी सुरों को मांझकर सनी हिंदुस्तानी जहां इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम किया, वहीं बॉलीवुड में गाने भी गाए। सनी हिंदुस्तानी की जर्नी मेहनत से भरी होकर बहुत ही शानदार है। ऑडिशन राउंड में सनी ने गायक नुसरत फतेह अली खान का गाना गाया। जजेस को इतना पसंद आया कि सनी हिंदुस्तानी सिलेक्ट हो गए। शो के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली। हर एपिसोड में इतना कमाल का गाया कि जजेस हर बार शॉक होते गए। सनी हिंदुस्तानी की लाइफ में एक मोड़ तब आया जब फेमस सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान साहब से सनी की तुलना की जाने लगी। लेकिन सनी ने हर बार यही कहा कि नुसरत फतेह अली खान साहब के आगे वो कुछ भी नहीं। मेरे रश के कमर और सनु इकबाल चैन नावे जैसे गाने गाकर सनी हिंदुस्तानी ने सभी का दिल जीत लिया। सनी हिंदुस्तानी की किस्मत का तारा एक बार फिर चमका जब उन्हें हिमेश रेशमिया की मूवी द बॉडी में गाना गाने का मौका मिला। इस फिल्म में सनी हिंदुस्तानी ने रोम रोम गाकर एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। जबकि सभी जानते हैं कि सनी हिंदुस्तानी एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 12 साल के थे और पिता गुजर गए। परिवार की जिम्मेदारी सनी के नाजुक कंधों पर आ गई। पिता की तरह बेटे ने भी बूट पॉलिश कर अपने परिवार का भरण पोषण किया। लेकिन मन में ललक थी कि गाना गाना है। मेहनत से सुरों को मजबूत किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। ये लड़का सनी, जो आज सनी हिंदुस्तानी के नाम से फेमस है, जो कभी बूट पॉलिश करता था, आज फेमस हो चुका है और इंडियन आइडल 11 का खिताब अपने नाम कर चुका है। बॉलीवुड में दो गाने गाने के बाद इसे और भी कई सारे ऑफर मिल चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।